Welcome back to Class of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend, and this class all about B.Ed. Entrance examinations का syllabus क्या होगा इग्नो यूनिवर्सिटी से. पिछली वीडियो जिन्होंने देखी है मेरे को बार बार क्वेश्चन आ रहे कि सर प्लीज बताइए B.Ed. का प्रोसीजर क्या रहेगा इग्नो से, तो उसके लिए वीडियो बनाई. अब उस वीडियो को बनाने के बाद ये वीडियो बनाना सीधे से कंपल्सरी होगा. तो यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो प्रिपेयर करेंगे. तो सर हमें क्या क्या पढ़ना, ऑनेस्टली सर जो हमने ट्वेल्थ तक पढ़ा है, जो ग्रेजुएशन पढ़ा है, उसका कोई लेना नहीं है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ये पूरी तरह से एक अलग स्ट्रीम है, आपको पूरा का पूरा क्लियर करना है. बीएड मींस बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर एजुकेशन कंपल्सरी फॉर टीचर्स, एंड टीचर्स आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स और उनकी साइकोलॉजी को समझना. ऑनेस्टली हम किसी को पढ़ाते हो तो आपको उसकी साइकोलॉजी को क्लियर करना है. तो यहाँ सारे टॉपिक्स मैक्सिमम कवर करेंगे स्टूडेंट साइकोलॉजी को. Let's start the class. The first thing, ignore B.Ed. entrance test syllabus. सबसे पहले जो आता है, that is general English comprehension topics. Sir, general English comprehension topics means reading comprehension सबसे पहले आ लेना. यहाँ नहीं लिखा हुआ, it doesn't mean कि वो आपको नहीं करना. आप लोगों को reading comprehension on tip होना चाहिए. ये paper में confirm आएगा. तो इंग्लिश मेजर है जो आपको आना चाहिए. तो आपने कहा सर यहाँ पहली चीज क्लियर करते हैं कि इंग्लिश की बात की गई तो वी गाइस नीड टू बी द मास्टर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन को अनसीन पैसेज भी कहते हैं. इसके लिए मैं ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका हूँ, एक वीडियो दोबारा बनाऊंगा स्पेसिफिकली फॉर इग्नोर स्टूडेंट्स दैट हाउ टू स्टडी अनसीन पैसेज और उसके अंदर पूरे मार्क्स कैसे लेके आओ, उसको फॉलो करना मत भूलना. एंड देन हियर वी हैव द कोर्स. सर इसमें पढ़ना क्या होगा, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक्स में सबसे पहले आती है बेसिक ग्रामर. व्हाट इज बेसिक ग्रामर, सर वी आर टॉकिंग पार्ट ऑफ स्पीच. यस, आई एम टॉकिंग पार्ट ऑफ स्पीच जहां आपके नाउन से शुरू करके नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, देन वी हैव द प्रपोजिशन, आर्टिकल एंड वर्ब सीरीज. सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ऑन टिप होने चाहिए एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बेसिक ग्रामर. तो इसको आप दिमाग में रखना. सेकेंड विल कम टू द मेजर टॉपिक्स दैट इज एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड आइडेंट्स विद फ्रेजेस. अब आइडेंट्स क्या हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, वो मुहावरे सुनते बचपन में हमें पता है. सर सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है, पहले फ्रेज बनता है फिर सेंटेंस बनता है, जिसको हम वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं. अगर मैं इसको इंग्लिश की लैंग्वेज बोलूँ दैट्स अ मॉर्फोलॉजी. तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, हाउ गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी स्टेप. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट गाइज, आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक श्योर यार ये सारी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए. दो चीजें दिमाग में बार बार आती है, सर हम पढ़ क्या रहे, वो पढ़ने का रीजन क्या है, मतलब इंग्लिश का कोर्स पता लग गया, इंग्लिश का कोर्स ही है, इसको कैसे करना है, इसके लिए सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उन पे आपने काम करना है. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग टॉपिक. सर लॉजिकल, यस लॉजिकल एंड एनालिटिकल. अब लॉजिक और एनालिटिकल एनालाइज करेंगे तो लॉजिक तो डेफिनेट लगाएंगे. आपने कहा इसमें मेरे पास पढ़ना है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज को, वो सर कुछ होता है ना कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, अच्छा यहाँ से वहां चला गया, वहां से यहाँ चला गया, एक के बाद पांच आया, पांच के बाद नौ आया, नौ के बाद तेरह आया, चार चार गया. रीजनिंग रीजन है, लॉजिक्स को फॉलो करना आपने, इसे हम अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म भी कह सकते हैं. कम टू नेक्स्ट वन, वी हैव क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डीकोडिंग, नॉन वर्बल, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों ऑन टिप होने चाहिए. अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम कर रहे हैं या किसी जनरल गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप रीजनिंग और लॉजिक को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. तो ये लॉजिक और रीजनिंग सेम रहने वाली है और आगे जाके नियर फ्यूचर में अगर आप लोगों नेट सेट की प्रिपरेशन करनी है तो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा. तो गाइस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट गो थ्रू, ये आपको क्लियर होना चाहिए. जहां हम नेक्स्ट पार्ट एजुकेशन जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स. अब एजुकेशन जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स को कैसे क्लियर करेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एक काम करना, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप इस सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाओ. दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइक एंड शेयर द चैनल वो आपकी चॉइस है. सब्सक्राइब करो तो आपको एक्सेस मिलेगी हर वीडियो की, आप बहुत ईजिली क्लियर करेंगे. तो यहाँ थर्ड टॉपिक आता है एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस टॉपिक. सर एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके बारे में नॉलेज इकट्ठे करना एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू इट. तो फर्स्ट टॉपिक इज ज्योग्राफी,
सेकंड सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ एक छोटा टिप दूंगा आपको, आज से ही आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। यस यू गाइस नीड टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। इससे एक पन बड़े सारे काज होंगे, एक पन दो काज ही, एक पन बहुत सारे काज हो जाएंगे। रीजन आपकी इंग्लिश के वोकैबुलरी होंगे, आपके सिनोनिम एंटोनिम इंप्रूव होंगे, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लियर होगा, आपके करंट अफेयर्स इंप्रूव होंगे, आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री करंट अफेयर्स के बारे में अपडेट रहोगे आप। सो आज से ही डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो गाइस, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू क्रैक दिस पेपर। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल टॉपिक्स। अब मैं आ गया मेजर पे, ये मेजर पोर्शन है आपके एग्जाम का, मेजर पोर्शन टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल टॉपिक्स। अगर आपने ये मिस कर दिया तो डेफिनेटली बहुत कुछ मिस करोगे, क्योंकि इससे पहले जो तीन आए द लॉज इन इंग्लिश एंड द एजुकेशन जनरल अवेयरनेस, वो एक नॉर्मल सेंस में था कि आप बड़े आराम से क्लियर होते। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको ऑन टिप करने हैं, ये आपको बी एड में भी आएंगे, सारे के सारे टॉपिक आएंगे। फर्स्ट वन बिगनिंग एप्टीट्यूड, आज बेटा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। व्हाट इज एप्टीट्यूड? से एप्टीट्यूड तो हमने सुना था, एप्टीट्यूड एक स्टूडेंट किस जगह पे कैसे रिएक्ट करता है उसको एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट, व्हेन यू गो टू अ न्यू प्लेस, उस नई जगह पे जाके आप कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्शन का रिएक्शन कैसे देते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे जिनको आपने बड़े अच्छे से क्लियर करना। सो दिस इज द एप्टीट्यूड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। हर स्टूडेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी पर, सिर्फ स्टूडेंट नहीं टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो वहाँ आप सोसाइटी में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हो या नहीं करते, करने का तरीका क्या है, चीज़ों कैसे इंप्लीमेंट करते हो, वो सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। कम नेक्स्ट वन, कहता डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंडिया, पहले ये बीएड नेट सेट या मोरो सीटेट नहीं कंपस नहीं था, जेबीटीपी नहीं था, नहीं जो आदमी पढ़ ले गया जो किसी को पढ़ा सकता है उसको बोल देगी अप्रूवल होगी भाई तू पढ़ा सकता है, दैट्स ऑल, वो पढ़ाना शुरू करता था। लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन लाइन में काफ़ी सारे चेंज लाए, फिर टीचर्स पे भी आगे टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको भी एक ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे आपको यहाँ साइकोलॉजी ऑफ किड्स सुनाई जाती है, समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है बी एड में, एम एड में भी आगे जाके पढ़ेंगे आप तो आपको एक प्रोसीजर बताया जाएगा। सो दिस ऑल अबाउट द टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया, इस पर आपने काम करना है। कम नेक्स्ट वन, टीचिंग एबिलिटीज। व्हाट डू यू मीन टीचिंग एबिलिटीज? सो द लेक्चर प्लान्स, यस लेक्चर मेथड होते हैं, लेक्चर प्लान्स होते हैं, पैरागॉजी एजुकेशन होती है, पैरागॉजी एनालिसिस होती है, पैरागॉजी के स्टेप्स होते हैं, लेसन प्लान होते हैं, माइक्रो लेसन प्लान होते हैं, मैक्रो लेसन प्लान होते हैं, ये सब आता है हमारा टीचिंग एबिलिटीज में। तो ये आपको ऑन टिप होना चाहिए, मतलब हम कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, और चीज़ों कैसे आराम से समझ सकते हैं, दिस काउंट्स अ लॉट। नेक्स्ट वन, एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्कूल एंड न्यू फाइंडिंग्स एक्टिविटीज। स्कूल स्कूल को लेके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, नई एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को कैसे फॉलोअप करें, कैसे आगे लेके जाएंगे, कौन सी चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, कौन सी मे बी गोज अगेंस्ट यू, ये सब आपको ऑन टिप होना चाहिए। ये मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करने का है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द फंडामेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। व्हाट आर द फंडामेंट्स एंड व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन के उन प्रिंसिपल्स को क्लियर करना, उन कॉन्सेप्ट को समझना जो आपके फेवर में काम करते हैं। देन वी हैव चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। व्हाट मीन चाइल्ड सेंटर्ड? आज का जो एजुकेशन चल रही है चाइल्ड सेंटर्ड है। अगर आप लोग याद हो जो हम पढ़ते थे हमारे टीचर हमें खींच के दो लगाए होते थे, ऑनेस्टली वो टाइम कुछ और था यार। आज टीचर का तेज आवाज में बच्चों को बोलता है तो बच्चा क्या आगे कंप्लेन करता है, और नेक्स्ट टाइम टीचर के अगेंस्ट कंप्लेन होती है, तो आज टीचर बच्चों को मान नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आज हम जो पढ़ रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। बच्चे के हिसाब से उसको क्या चाहिए, कैसे पढ़ाया जाएगा, उसके हिसाब से नोट बताते हैं आपको, जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, इसको क्लियर करना है। Then we have the next, inclusive education. What is inclusive education? Inclusive sir, कुछ बच्चे mentally retired होते हैं, कुछ handicap होते हैं, तो इनके लिए अलग स्कूल हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हीं स्कूल में जिन नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं इन बच्चों के लिए भी प्रोविजन किया जाता है, इनके लिए रेमेडी क्लासेस दी जाती है, इनके लिए अलग अरेंजमेंट्स की जाती हैं। तो ऐसे स्कूल जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, वो चीज़ों को क्लियर किया जाता है, उनको बोलते हैं इंक्लूसिव स्कूल। सो दिस इज द मेजर पॉइंट और इंक्लूसिव एजुकेशन।
देन लर्निंग एंड पैडागॉजी. व्हाट इज लर्निंग एंड व्हाट इज पैडागॉजी? पैडागॉजी टीचिंग कहते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग एज अ कॉमन लर्निंग एंड पैडागॉजी. तो पैडागॉजी मेजर टॉपिक है जो आप लोगों को ऑन टिपोलॉजी ये पेपर में आएगा. कन्फर्म क्वेश्चन भी होंगे, पैडागॉजी बेस्ड आपके सब्जेक्ट पेपर भी होंगे. दैट इज पार्ट टू. पार्ट टू आप देखते हो, दिस इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट टॉपिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी. पांच में बेफिट किया गया. एंट्रेंस की बात करूँ, एंट्रेंस पांच मेन टॉपिक जो पांच पैडागॉजी सेंटेंस सब्जेक्ट देंगे हम, उसमें हाईलाइट करेंगे. आई होप यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या सिलेबस है जो हमें पढ़ना है. इन डिटेल वो भी मिलेगा जल्दी एक वीडियो में, जहाँ एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे. यहाँ पर भी सारे टॉपिक ले, फिर हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इट्स वर्थ टू वॉच गाइस. We'll be right back.